जब अंशों का निर्गमन किस्तों में किया जाता है तो कई बार ऐसी परिस्थितियां निर्मित होती हैं जब कोई अंशधारी कंपनी के द्वारा बार बार किसी अंश की राशि मांगने पर भी नहीं देता है। ऐसी कंडीशन में कंपनी दो उपाय करती है। पहला, या तो वो उन अंशधारियों पर मुकदमा चला सकती है और दूसरा, उन अंशों को फॉरफिट कर लेती है, हरण कर लेती है, यानी कि जब्त कर लेती है। अब ऐसी कंडीशन में जबकि अंशों का हरण कर लिया जाता है तो अभी तक यानी कि हरण की गई तिथि तक अंशों पर जो राशि उस अंशधारी से प्राप्त हुई है उस राशि को कंपनी जब्त कर लेती है। अंशों के हरण के संबंध में कुछ नियम होते हैं जो कंपनी को फॉलो करना करने होते हैं। वास्तव में अंशों के हरण से संबंधित जो प्रावधान है वो कंपनी अधिनियम 2013 की सारणी एफ के अंतर्गत विस्तृत रूप से दिए गए हैं। फिलहाल हम देखते हैं कि कौन कौन से नियम और शर्तें होती है हरण के संबंध में। तो सबसे पहली बात, तो हरण करने का जो अधिकार होता है वो अंतर नियम में दिया गया होता है, यानी कंपनी अपने अंशधारियों के अंशों को उसी समय हरण कर सकती है जबकि उसके अंतर नियम में हरण करने संबंधी कोई प्रावधान दिए गए हों। दूसरा, यहाँ पर उपयुक्त कोई कारण होना चाहिए कि जो अंशधारी था उसने बार बार मांगने पर भी पैसे अंशों की जो राशि थी वो नहीं दी, सूचना उसको प्राप्त हो गई उसके बावजूद भी उसने धनराशि का भुगतान नहीं किया। इस तरह से कोई किसी न किसी उपयुक्त कारण का होना जरूरी है अंशों को हरण करने के लिए। तीसरी शर्त यहाँ पर हम देखते हैं कि उचित प्रस्ताव जो है वो संचालकों की सभा में पारित किया जाना चाहिए। जब अंशों का हरण करने की स्थिति बनती है तो डायरेक्ट ही किसी अंशधारी के अंशों को कंपनी हरण नहीं कर सकती। कंपनी उस अंशधारी को सूचना देती है और सूचना के बाद एक निश्चित तिथि निर्धारित करती है, उसको रिकॉल भी करवाती है, याद भी दिलाती है कि आपको सूचना दी जा चुकी है अंशों पर राशि के भुगतान के, लेकिन आपने अभी तक अंशों पर राशि भुगतान नहीं किया। और उसके बाद भी अगर राशि प्राप्त नहीं होती है उन अंशों पर तो कंपनी जो है वो अपने संचालक मंडल की एक सभा बुलाती है और उसमें प्रस्ताव रखा जाता है कि कुछ ऐसे शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने अंशों की राशि कुछ निश्चित राशि नहीं दी है और उनके जो अंश हैं उनको हरण किया जाना है। तो पूरे एक नियम और कानून से एक प्रस्ताव को सभा में रखा जाता है। उसके बाद ये देखा जाता है कि जो जिनको जिन संचालकों को सभा में उपस्थित होना जरूरी है क्या उनको सही समय पर पूर्व में सूचना दी गई है ताकि उनका अभिमत प्राप्त किया जा सके। साथ में ये भी देखा जाता है कि जब्त की गई जो राशि है उसका जो प्रयोग होगा, जैसे कि हमने पहले जाना कि हरण किए गए अंशों पर जो नहीं मिली वो तो राशि नहीं मिली अभी तक, लेकिन जो मिल चुकी है उसको हमको जब्त कर, कंपनी जो होती है उन शेयर्स पे जो प्राप्त राशि होती है उसको जब्त कर लेती है। अब वो जब्त की गई जो राशि है उसको, क्योंकि वो कंपनी की संपत्ति है तो कंपनी के हित में ही उसका प्रयोग किया जाना चाहिए। तो ये तो थी कंपनी के हरण करने लेने संबंधी नियम। अंशों के हरण की जो पूरी प्रक्रिया होती है वो क्या प्रक्रिया होती है, आइए इसके बारे में जाने। तो सबसे पहले सूची प्रस्तुत करनी होती है। कंपनी सबसे पहले लिस्टेड कर लेती है उन लोगों को जिन्होंने कंपनी के अंश खरीद के रखे हुए हैं और उस पर वो धनराशि का भुगतान, अंश की जो राशि है उसका भुगतान नहीं कर रहे हैं, उनकी एक सूची बना ली जाती है। दूसरे चरण में उनको सूचना भेजी जाती है अंशधारियों को कि आपने जो अंशों की राशि का भुगतान नहीं किया है उसकी जल्द से जल्द आप सूचना भेजें। तीसरे क्रम में उनको स्मरण पत्र भेजा जाता है और याद दिलाया जाता है कि आपको अंशों के हरण से संबंधित धनराशि के भुगतान से संबंधित सूचना भेजी गई थी लेकिन अभी तक आपने धनराशि का भुगतान, अंश की जो राशि है उसका भुगतान आपने नहीं किया है। चौथे चरण में जो है अंशों के हरण का जो प्रस्ताव है वो सभा में प्रस्तुत किया जाता है, जो संचालक मंडल होते हैं कंपनी के जो अन्य सदस्य होते हैं उनके समक्ष एक प्रस्ताव लाया जाता है कि कुछ सदस्य कंपनी के ऐसे हैं, वो सूची प्रस्तुत की जाती है कि कुछ सदस्य कंपनी के ऐसे हैं, कुछ अंशधारी ऐसे हैं जिनसे बार बार मांगने पर, बार बार उनको याद दिलाने पर भी उन्होंने अभी तक अंश की रकम का भुगतान नहीं किया है, तो क्या इनके अंशों का हरण
निर्धारण कर लिया जाए, इस पर एक प्रस्ताव पारित किया जाता है। और फिर अगले स्टेप में अंशहरण की सूचना, जिन जिन लोगों का, जिन जिन अंशधारियों का अंशहरण करना है उसकी सूचना उनको दे दी जाती है। और उसके बाद नेक्स्ट सिक्स यानी कि लास्ट स्टेप में अंशहरण की घोषणा कर दी जाती है कि आपके अंशों को हरण किया जा रहा है। तो पूरी प्रक्रियाबद्ध अंशों के हरण की पूरी प्रक्रिया चलती है क्रमबद्ध तरीके से। लेकिन वास्तव में जब इन अंशों का हरण हो जाता है तो अंशधारियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, आइए देखते हैं। इस प्रक्रिया में अंशों के हरण से जो अंशधारी थे, एक तो उनकी सदस्यता अब समाप्त हो जाती है, और दूसरा ऐसे व्यक्ति हरण की तिथि तक की जो देयताएं हैं उनकी, हरण की तिथि तक के जो ड्यूज अमाउंट है, कंपनी के प्रति जो दायित्व है, उसका भुगतान उनको करना ही पड़ता है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो जब इस तरह से हरण होता है तो हरण की जो एक प्रक्रियाबद्ध रूप से जनरल एंट्री पास की जाती है, जनरल एंट्री पास करते समय किन किन बातों का हमको ध्यान रखना है, किस आधार पर हमको जनरल एंट्री करनी है, इस पर हम एक नज़र डालें। तो सबसे पहली तो बात कि जब हम हरण से संबंधित प्रविष्टि करते हैं तो हमको तीन बातों का ध्यान में रख को बहुत विशेष रूप से ध्यान में रखना होता है। एक तो अंशों, हरण किए गए अंशों पर अब तक मांगी गई रकम, दूसरा हरण किए गए अंशों पर प्राप्त रकम, और तीसरा हरण किए गए अंशों पर अप्राप्त रकम। इन तीन बिंदुओं को हमको बहुत ध्यान से समझना है जबकि हम हरण की प्रविष्टि करने जा रहे हों। अब हमको ये देखना है कि जितनी रकम हरण किए गए अंशों पर मांगी गई है उससे हमको अंश पूंजी खाते को, शेयर कैपिटल अकाउंट को हमको डेबिट करना है, क्योंकि हरण हो गया अंशों का तो पूंजी जो थी उसमें कमी आ गई। तो यहाँ पर हमको जितनी रकम मांगी गई है उस रकम से हमको अंश पूंजी खाते को डेबिट करना है। दूसरी बात, हरण किए गए अंशों पर अब तक जितनी रकम प्राप्त हो चुकी है उतनी रकम से हमको अंश हरण खाते को क्रेडिट करना है, यानी कि फॉरफिचर अकाउंट को हमको क्रेडिट करना है। किस अमाउंट से? जितनी अमाउंट हरण किए गए अंशों पर अभी तक प्राप्त हो गई है। तीसरी बात हमको ध्यान में रखना है कि हरण किए गए अंशों पर जो अप्राप्त है उसको हमको क्रेडिट साइड में लिखते जाना है, अप्राप्त राशि जिस पर प्राप्त नहीं हुई है। आवंटन प्राप्त पर अगर प्राप्त नहीं हुई है तो आवंटन खाता से, याचना पर प्राप्त नहीं हुई है तो याचना खाता से, जिस पर भी प्राप्त नहीं हुई है उस अमाउंट को हम क्रेडिट साइड में लिखते जाएंगे। तो इन तीनों बिंदुओं को बहुत ध्यान में रखकर हमको हरण से संबंधित प्रविष्टियां करनी है। आइए देखते हैं कि वास्तव में हरण के दौरान किस तरह की पंजी प्रविष्टियां की जाती हैं। सम मूल्य या अंकित मूल्य पर निर्गमित अंशों का हरण होने पर प्रविष्टि की जाएगी। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर कॉल अकाउंट, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। तो आपने देखा कि हरण के दौरान किस प्रकार की पंजी प्रविष्टियां की जाती हैं। वास्तव में अगर देखा जाए तो प्रविष्टियां तो बहुत सामान्य हैं, बहुत आसानी से समझ जाते हैं कि किस तरह की प्रविष्टियां होती है। लेकिन दिक्कत तब आती है जब हम अमाउंट लिखते हैं तो हमको समझ नहीं आता कि कौन सी अमाउंट को हमको कहाँ पे लिखना है। तो इस चीज को बहुत अच्छे से समझने के लिए, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हमने जिन तीन बातों को जाना कि मांगी गई राशि कितनी है हरण किए गए अंशों पर, प्राप्त राशि कितनी है हरण किए गए अंशों पर, और अप्राप्त राशि कितनी है हरण किए गए अंशों पर, इन तीनों बातों को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हरण से संबंधित जो क्रियात्मक प्रश्न है उनको हम बहुत आसानी से हल कर सकेंगे। तो आइए इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम हरण से संबंधित कुछ क्रियात्मक प्रश्नों को हल करते हैं। ललिता ने 100 रुपए वाले 500 अंश योगिता लिमिटेड से 20 रुपए प्रति अंश प्रीमियम पर लिए। कंपनी द्वारा इस पर राशि इस प्रकार दे है, आवेदन पर 20 रुपए प्रति अंश, आवंटन पर 30 रुपए प्रति अंश प्रीमियम सहित, प्रथम याचना पर 30 रुपए प्रति अंश एवं अंतिम याचना पर 40 रुपए प्रति अंश। ललिता सिर्फ आवेदन एवं आवंटन की राशि चुका पाई, अतः उसके अंश कंपनी ने अंतिम याचना के बाद जब्त कर लिए। कंपनी की पुस्तकों में सिर्फ हरण के संबंध में प्रविष्टि दीजिए। इस प्रश्न में हमको पूरी एंट्रीज नहीं करनी है, केवल हरण से संबंधित प्रविष्टि करनी है। और हमको ये ध्यान रखना है कि हरण कब हुआ है,
हरण होने से पहले हरण किए गए अंशों पर कितनी राशि प्राप्त हो चुकी है और हरण किए गए अंशों पर कितनी राशि अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। साथ में हमको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर किसी प्रकार का प्रीमियम तो नहीं है, और अगर वो प्रीमियम है तो हरण के पहले का है कि हरण के बाद का दिए है। तो इस प्रश्न में हम देख रहे हैं कि 500 अंशों का हरण किया गया है और इस पर जो राशि प्राप्त हुई है वो है आवेदन की राशि और आवंटन की राशि, और जो प्राप्त राशि नहीं हुई है वो है प्रथम याचना की राशि और अंतिम याचना की राशि। यानी कि कुल मिलाकर आवेदन के 20 रुपए और आवंटन के 30 रुपए यानी कि 50 रुपए प्राप्त हुए हैं। और दूसरी कंडीशन ये है कि प्रथम याचना के 30 रुपए और अंतिम याचना के 40 रुपए यानी कि 70 रुपए प्राप्त नहीं हुए हैं। तो इस आधार पर हम इसकी प्रविष्टि करेंगे और यहाँ हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट। हमने देखा कि जब हम फॉरफिचर की एंट्री करते हैं तो क्रेडिट में हम उन सभी अमाउंट्स को, उन सभी टॉपिक्स को लिखते हैं जिस पर अभी तक फॉरफिट किए गए शेयर्स पर अमाउंट रिसीव नहीं हुई है। जिन अंशों पर जब भी हरण किए गए अंशों पर जो राशि प्राप्त नहीं हुई है उन सभी को हम यहाँ पर क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर इस प्रश्न में हमको फर्स्ट कॉल नहीं मिला है तो उसको हमने क्रेडिट किया है, और सेकंड कॉल भी नहीं मिला है इसलिए उसको भी हमने क्रेडिट किया है, और टू शेयर फॉर फ्यूचर यानी अंशरण खाता से यहाँ पर हम उस राशि को लिखते हैं जो कि अभी तक हमको हरण किए गए अंशों पर प्राप्त हो गई है। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें अमाउंट लिख लेते हैं। तो शेयर फर्स्ट कॉल में कौन सी अमाउंट आएगी, वो अमाउंट आएगी जो हरण किए गए अंशों पर फर्स्ट कॉल की प्राप्त नहीं हो पाई है। तो हरण किए गए अंश है 500 और फर्स्ट कॉल की जो अमाउंट है वो है 30 रुपए प्रति शेयर यानी कि 500 × 30 15,000 जो फर्स्ट कॉल पे नहीं मिला। दूसरा, सेकेंड कॉल पे हमको क्या नहीं मिला, 500 शेयर पे 40 रुपीज के हिसाब से 20,000 हमको सेकेंड कॉल पे हरण किए गए अंशों यानी कि 500 अंशों पर प्राप्त नहीं हुआ। और तीसरा, शेयर फॉरफिचर अकाउंट में हम वो अमाउंट लिखते हैं जो कि अभी तक हमको हरण किए गए अंशों पर प्राप्त हो चुका है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 20 रुपए हमको आवेदन के प्राप्त हुए हैं और 30 रुपए हमको प्रीमियम सहित आवंटन के प्राप्त हुए हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 50 रुपए प्राप्त हो गए हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि आवेदन पर 20 रुपए और आवंटन पर 30 रुपए प्रति अंश प्रीमियम सहित है, लेकिन हमको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आवंटन की राशि जो 30 रुपए है उसमें से केवल आवंटन 10 रुपए है और बाकी जो 20 बचता है वो प्रीमियम है, और यहाँ पर हरण जो हो रहा है वो प्रीमियम प्राप्त होने के बाद हो रहा है क्योंकि आवेदन और आवंटन की राशि मिल चुकी है यानी कि प्रीमियम की राशि भी मिल चुकी है। तो यहाँ पर हम आवंटन की राशि केवल 10 रुपए से कैलकुलेट करेंगे। तो कुल मिलाकर 20 रुपए आवेदन और 10 रुपए आवंटन यानी कि 30 रुपए ही प्राप्त हुए हैं अभी तक 500 शेयर्स पे। तो 500 × 30 यानी कि 15,000 जो है अभी तक हरण किए गए अंशों पर प्राप्त हुआ है, जिसे हम टू शेयर फॉरफ्यूचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में 15,000 से इसकी एंट्री करेंगे। और टोटल अगर हम देखें तो शेयर फर्स्ट कॉल के 15,000, शेयर सेकंड कॉल के 20,000 और शेयर फॉरफ्यूचर के 15,000, तो टोटल यहाँ पर 50,000 से शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है। इसको हम इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि 500 शेयर्स पे 100 रुपीज जो था वो पर शेयर इसकी वैल्यू थी यानी कि 50,000 शेयर की जो अमाउंट है वो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होगी। तनिष्क लिमिटेड ने 10,000 अंशों के लिए 100 रुपए वाले जो 10 रुपए प्रति अंश प्रीमियम पर निर्गमित है आवेदन के लिए जनता को आमंत्रित किया। इस पर रकम इस प्रकार देय है, आवेदन पर 20 रुपए, आवंटन पर 40 रुपए, प्रथम याचना पर 30 रुपए एवं अंतिम याचना पर 20 रुपए। 13,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए, 2,000 अंशों की रकम लौटा दी गई तथा शेष अंशों को अनुपातिक आवंटन कर दिया गया। सभी रकम प्राप्त कर केवल एक अंशधारी जिसके पास 300 अंश थे अंतिम याचना का भुगतान नहीं कर पाया और उसके अंशों को जब्त कर लिया गया। आवश्यक जनरल प्रविष्टियां कीजिए।
यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुल 13,000 अंशों के लिए आवेदन आए थे और एक अंश पर जो आवेदन की राशि है वो 20 रुपए है, यानी कि एप्लीकेशन मनी जो रिसीव होगी वो 13,000 × 20 2,60,000 रिसीव होगी, और इसकी जनरल एंट्री हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव 2,60,000। अब ये जो एप्लीकेशन की अमाउंट है इसको हम दो भागों में बांट देंगे, एक तो वो अमाउंट जो हमको शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है और दूसरी वो अकाउंट जो कि हमको रिटर्न कर देना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर मैक्सिमम जो शेयर है वो 10,000 है लेकिन एप्लीकेशन हमको जो मिले हैं वो 13,000 शेयर्स के लिए मिले हैं, तो यहाँ पर जो 3,000 शेयर एक्सेस है उसमें से 2,000 शेयर्स की जो अमाउंट है वो हमको वापस कर देनी है और 1,000 शेयर की जो अमाउंट है उसको हमको अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देना है। तो सारी एंट्रीज हम यहाँ पर करेंगे और जब हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो वो केवल हम 10,000 शेयर्स को ही ट्रांसफर करेंगे, तो यहाँ पर हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट और 10,000 शेयर इंटू 20 रुपीज यानी कि 2,00,000 रुपीज इसकी अमाउंट आएगी बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। उसके बाद जब 2,000 शेयर्स पे 20 रुपीज हमको वापस करना होगा क्वेश्चन में जिस तरह से दिया गया है, तो यहाँ पर वापस करने की हमारी एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2,000 × 20 रुपीज यानी कि 40,000 रुपीज हमको वापस कर देना है, और यहाँ हमारा नरेशन होगा बीइंग द एप्लीकेशन मनी रिफंड। उसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 1,000 शेयर्स की जो अमाउंट है 10 रुपीज वो हमको अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देनी है, तो उसके लिए हमको यहाँ पर ध्यान रखना होगा जब अलॉटमेंट में एडजस्ट की बात आएगी तो हमको ड्यू के समय जो एंट्री करनी है वो एंट्री हमारी हो जाएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, क्योंकि यहाँ पर अलॉटमेंट में 10 रुपए जो है वो प्रीमियम भी है, तो यहाँ हमारी एंट्री आगे जितनी भी एंट्रीज होंगी वो सारी की सारी एंट्री 10,000 से होगी, क्योंकि 3,000 शेयर्स को हमने एडजस्ट कर दिया है, 2,000 पे हमने पैसे लौटा दिए और जो 1,000 थे उसको हमको अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है, तो यहाँ हमारी एंट्री हो जाएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। और अमाउंट हम किस प्रकार लिखेंगे, सबसे पहले हम शेयर कैपिटल में जो अमाउंट लिखेंगे वो हो जाएगी 10,000 शेयर्स पर 30 रुपीज, जैसे कि प्रश्न में दिया गया है अलॉटमेंट की जो ड्यू अमाउंट है वो 30 रुपीज है, तो ये टोटल क्रेडिट साइड में 3,00,000 हो जाएगा, और इस पर सिक्योरिटी प्रीमियम 10 रुपीज है जो कि अलॉटमेंट के साथ ही रिसीव होना है, तो 10,000 × 10 1,00,000 जो है इसकी प्रीमियम की अमाउंट हो जाएगी, और टोटल 4,00,000 जो है वो शेयर अलॉटमेंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर हो जाएगा, और यहाँ हम नरेशन लिख देंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब जब हम रिसीव की एंट्री करेंगे तो हमको विशेष ध्यान रखना है कि इस रिसीव की एंट्री में हमको उस 20,000 को एडजस्ट करना है जो कि हमने एप्लीकेशन के टाइम पहले से ही प्राप्त कर लिया है, तो यहाँ हमारी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और इस 4,00,000 में क्योंकि 20,000 हमने एप्लीकेशन के टाइम ही रिसीव कर लिया है तो अब यहाँ बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में 3,80,000 ही आएगा, और सेकेंड जो एंट्री है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट इसमें 20,000 ही आएगा, क्योंकि 1,000 शेयर ऐसे थे जिनमें 20 रुपीज के हिसाब से हमने अलॉटमेंट में जिसको एप्लीकेशन एडजस्ट कर दिया था जो कि एप्लीकेशन के टाइम रिसीव हुआ था, और टू शेयर अलॉटमेंट में क्रेडिट साइड में 4,00,000 की अमाउंट आ जाएगी। यहाँ हम नरेशन लिख देंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव एंड ट्रांसफर टू एप्लीकेशन अमाउंट टू अलॉटमेंट। उसके बाद हम फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे और इसके आगे की अब जितनी भी एंट्रीज होंगी वो 10,000 शेयर से होंगी, तो हमारी ड्यू की एंट्री यहाँ पर हो जाएगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 3,00,000 से, और उसके बाद जब रिसीव की हम एंट्री करेंगे तो ये हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट और 3,00,000 से रिसीव करेंगे। सेकेंड कॉल की हम एंट्री करेंगे शेयर सेकेंड कॉल एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और 10,000 × 20 2,00,000 से हम इसकी एंट्री करेंगे ड्यू की, और रिसीव की एंट्री करते समय हमको विशेष ध्यान रखना है ये कि एक अंशधारी था जिसके पास 300 अंश थे उसने याचना की राशि का भुगतान नहीं किया, अंतिम याचना की राशि का भुगतान उसने नहीं किया है,
तो रिसीव करते समय हमको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि ड्यू की अमाउंट तो 2 लाख थी, लेकिन रिसीव की अमाउंट जो है वो इससे कम होगी क्योंकि 300 शेयर्स पे कॉल्स इन एरियर है। तो हम इसकी जनरल एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो बैंक अकाउंट में हम 1,94,000 से एंट्री करेंगे, यानी कि ये जो एंट्री है ये हो जाएगी 9,700 × 20, 1,94,000, और कॉल्स इन एरियर के डेबिट साइड में आएगा 300 × 20, 6,000, और टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल जो है वो क्रेडिट साइड में टोटल इनका हो जाएगा 2 लाख से। यहां नरेशन लिखेंगे बीइंग सेकंड एंड फाइनल कॉल रिसीव। अब क्योंकि ये जो शेयर है जिनमें सेकंड कॉल नहीं मिला है इनको हमको फॉरफिट करना है, तो फॉरफिचर की यहाँ पर हम एंट्री करेंगे, और फॉरफिचर करते समय हम ध्यान रखेंगे कि इस 300 शेयर्स पे वास्तव में मिला कितना है। तो यहाँ पर जो टोटल अमाउंट है शेयर्स की, इस शेयर वो 100 रुपीज है, और इस 100 में अगर यहाँ पर सेकेंड एंड फाइनल कॉल नहीं मिली, यानी कि 20 रुपीज नहीं मिले, तो इसका मतलब है कि 80 रुपीज मिल गए हैं। तो यहाँ पर हम एंट्री करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट। तो इस 300 शेयर्स पर अभी तक 80 रुपीज मिले, जो कि शेयर फॉरफिचर अकाउंट में चले जाएंगे, 80 × 300, 24,000, और सेकंड कॉल जो नहीं मिला यानी 300 × 20, 6,000, और ये जो टोटल है ये शेयर कैपिटल के डेबिट साइड में 30,000 से एंट्री करेंगे इसकी हम।